कर रहे हैं, कुशन बना रहे हैं, हम लोग का प्लाजो बन चुका है और बहुत सारा कोर्सेज है, बहुत सारा क्लासेस हम लोग करेंगे। हम लोग सब लेडीज वेयर में ही कर रहे हैं, वेस्टर्न वेयर में। मुझे कोर्स में खूब भलो था, कुशन कवर बनी थी और अभी डिजाइनर दुपट्टा चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, खूब भलो। তাহলে এখানে কোনো অসুবিধা নেই মানে আমাদের ব্লাউজ वगैरह सब कर लेते हैं। तो फ्यूचर में आपका है कि आगे जाके? तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मकास इंस्टीट्यूट। ये मकास इंस्टीट्यूट आपका हावड़ा मैदान में पड़ता है। तो अभी हम हावड़ा मैदान जा रहे हैं। देखो अभी ये हावड़ा मैदान मेट्रो है भाई, यहाँ सामने बन रहा है। यहाँ मेट्रो से ओनली आपको 5 मिनट डिस्टेंस लगेगा आपको बाई वॉक यहाँ से जाना, और यहाँ से आप पैदल जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। और ये मकास इंस्टीट्यूट में आपको फैशन डिज़ाइन के सारे कुछ सिखाए जाते हैं और यहाँ पर 1 ईयर का डिप्लोमा है। तो इस सारे डिटेल्स को जानने के लिए हम जाएंगे अभी मकास, और उनकी जो मैम है रुखसार, उनसे हम सारी बात करेंगे। सेकेंड फ्लोर पे है मकास। तो चलो गाइस अभी हम चलते हैं ऊपर की तरफ और मैम से डिटेल जानते हैं और वहाँ से कुछ रिव्यू लेते हैं कि यहाँ पे क्यों लोग आते हैं, क्या फीस है, क्या चार्जेस है। हेलो गाइस, आज मैं एक न्यू ब्लॉग लेके आ गया हूँ और आज मैं आया हूँ मकास। मकास एक फैशन डिज़ाइनर इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मेरे साथ हैं रुखसार, और इनके साथ मैं आज फर्स्ट ब्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि इनके पास बहुत सारी ट्रेनिंग देती हैं फैशन डिज़ाइनर की। तो आज इनसे हम जानेंगे कि क्या क्या ट्रेनिंग देती हैं। जैसा कि मैं इनके इंस्टीट्यूट में आ गया हूँ और ये हावड़ा मैदान में है, कोलकाता हावड़ा मैदान, और यहाँ से सिर्फ 5 मिनट डिस्टेंट है यहाँ से हावड़ा मैदान मेट्रो, तो आप यहाँ आ सकते हो। तो यहाँ पर हम बहुत सारे कोर्सेज इनके देखेंगे, बहुत सारे डिज़ाइन के जो कोर्स कराती हैं और क्यों यहाँ पर लोग इनके यहाँ पर आए सीखने के लिए। तो ये सारी ट्रेनिंग के डिज़ाइन बारे हम जानेंगे और क्या कोर्स फीस है और क्या क्या इनके कोर्स में सिखाए जाते हैं और यहाँ पे लोग क्यों आए, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो अभी मेरे साथ रुखसार हैं, तो इनसे हम कुछ जानेंगे। तो अब बताइए कि क्या क्या आपके यहाँ से सीखने के लोग आते हैं यहाँ पे? यहाँ पे देखिए बहुत तरह, जितने सारे लेडीज़ हैं ना, तो उन लोग का डिमांड अलग अलग होता है। जैसे किसी लोग को बहुत फैशनेबल कपड़ा पहनने का ज़्यादा ये रहता है, क्रेज़ है, किसी को सिर्फ टेलरिंग कोर्स करना है। तो यहाँ पे बहुत सारा ट्रेनिंग कोर्सेज है, फैशन डिज़ाइनिंग कोर्सेज है, 1 ईयर डिप्लोमा है। आपको सिर्फ ब्लाउज़ के बारे में सिर्फ जानना है तो सिर्फ ब्लाउज़ के बारे में आप सिर्फ कर सकते हैं। सिर्फ वेस्टर्न कपड़ा के लिए करना है तो आप सिर्फ वेस्टर्न कर सकते हैं। तो बहुत सारा आपको वैरायटी मिलेगा। मतलब किसी को होता है ये सेक्शन करना है, ये सीखना है, तो वो सब यहाँ पे आपको मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि एक फैमिली की तरह, जैसे आप फैमिली में सीखते हो, तो इनके यहाँ सबसे अच्छी बात है कि फैमिली की तरह सिखाती हैं यहाँ पे। और काफ़ी दूर से भी ये लोग आते हैं, पास से भी आते हैं, और यहाँ पे अगर सीख के आपको सबसे अच्छी चीज़ है कि आप अपने लाइफ में अर्न कर सकते हो, कि अपने पैर पर खुद खड़े हो सकते हो, ये सबसे अच्छी यहाँ की बेनिफिट है, ये चीज़ सिखाती है। और यहाँ से बहुत लोग सीख के फ्यूचर में अपने पैर पर खड़े हो चुके हैं, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो अभी चलो यहाँ पर थोड़ा दिखा देते हैं कैसे कैसे यहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है, क्या हो रहा है। पट्टी हम लोग ना उरेबी में काट रहे हैं ना, यहाँ से ये जाएगा फिर बीच बीच में थोड़ा सा पिंक कलर दे देते हैं, थोड़ा हाईलाइट हो जाता है, खिल के आ जाता है, हमको लगा सुंदर कलर भी बहुत ठंड है ना, तो वो तो ठीक है। तो गाइज मैं अभी यहाँ पे आए, जो यहाँ पे इनके स्टूडेंट्स हैं, इनसे कुछ जानना चाहूँगा कि ये क्या बना रही हैं। तो हाय हाय, तो ये देख रहा हूँ आप कुछ कर रहे हो यहाँ पे, आप क्या सीखने आए हो? हम डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं यहाँ पे, मेरा आज 3rd क्लास है। हम लोग गैदरिंग कर रहे हैं, कुशन बना रहे हैं, हम लोग का प्लाजो बन चुका है और बहुत सारा कोर्सेज है, बहुत सारा क्लासेस हम लोग करेंगे। हम लोग सब लेडीज वेयर में ही कर रहे हैं, वेस्टर्न वेयर में। तो ये अभी आपका ये कितने दिन का कोर्स है आपका जो कोर्स कर रहे हो? मेरा 1 ईयर का कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, इसमें सारा वेस्टर्न वेयर है। अच्छा, वेस्टर्न वेयर कर रहे हो? अच्छा, ये इंडियन भी है, राइट?
तो अच्छा ये जानना चाहूँगा कि जो आप कोर्स करो इसके फ्यूचर में आपका क्या एम है, मतलब यहाँ से मेरे को एक बुटीक खोलना है अपना, सो दैट आई वुड बी इंडिपेंडेंट, हमको अपना कुछ करना है. So you want to make course for and you learn more and more in future. और मैम बहुत अच्छी है, शी इज़ वेरी पोलाइट, बहुत अच्छे से बात करती हैं, 24/7 अवेलेबल रहती है, कभी भी मैसेज करो रिप्लाई करती है, बहुत अच्छा से बोलती है, शी इज़ वेरी गुड. तो जैसा कि बात करके ऐसा जाहिर हुआ कि इनकी जो स्टूडेंट और टीचर के बीच काफ़ी अच्छा रिलेशन है, इससे सबसे अच्छी बात होती है कि अगर टीचर और स्टूडेंट में एक अच्छा रिलेशन हो तो सीखने में काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा लर्निंग होता है. तो चलते हैं अभी नेक्स्ट की तरफ और इनसे जानना चाहेंगे कि आप क्या कर रहे हो. और मेरा प्लाजो कुर्ती कुशन ये सब कंप्लीट हो गया. अच्छा, कितने दिन से आप यहाँ पे? वन मंथ से. तब प्लाजो कुर्ती आप कंप्लीट कर ली हो. तो जैसा कि इनसे जान के मालूम चला कि वन मंथ में प्लाजो कुर्ती ऑलरेडी ये सीख चुकी हैं और अभी और भी कितने दिन कोर्स करें? वन ईयर का. अच्छा, इनका भी 1 ईयर का कोर्स है. तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. और आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लर्निंग चल रही है. और यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ डिज़ाइन बन रही है. ये किस टाइप की डिज़ाइन है? ये थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल पे है, मतलब जिसको थोड़ा बहुत स्टिच आता है. तो ये थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल पे, मतलब इसको बोलते हैं ड्रेपिंग टेक्निक बोलते हैं. ड्रेपिंग टेक्निक, ओके ओके. ये सब डमी में होता है, ये बहुत हाई प्रोफेशनल है. Okay. मतलब ये आपको जैसे ये जो डमी है ना ड्रेस फॉर्म, इस पे हम लोग ये पिन जो होता है ना, ये पिन हम लोग इसमें आराम से डाल के इसमें डिजाइन बना के हम लोग निकाल देते हैं. ओके ओके. तो ये हम लोग का है ड्रेपिंग. ओके. और ये तो बहुत दूर से आते हैं, यहाँ से नहीं आते, लेकटाउन से आ रही. अच्छा, लेकटाउन दिया अपने यहाँ से? हाँ जी. अच्छा अच्छा. तो आने जाने में आपको फिर काफ़ी टाइम लग जाता होगा? अप्रोक्स पौने 2 से 2 घंटे. अच्छा अच्छा अच्छा. तो ये चीज़ देखने को मिली कि लेक टाउन और फिर यहाँ से करीब 1.5 से 2 घंटे का वे है और उसके बावजूद यहाँ सीखने के लिए आती है. तो आप सोच सकते हो कि कितनी दूर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं सीखने के लिए. तो ये है इनके टीचर के बीच. और अभी आप देख रहे हो कि ड्रेपिंग कुछ टाइप का जो एडवांस टाइप के यहाँ पे लोग सीख रहे हैं पिन के डिज़ाइन में अभी देख रहे हो. तो यहाँ पे आप बहुत कुछ लेटेस्ट डिज़ाइन सीख सकते हो. इसके लिए मैं आपको बहुत सारी डिज़ाइन की वैरायटी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दूँगा कि यहाँ पे इनसे बात करके डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हो. जैसा कि देख रहे हो ये जो उन्होंने ड्रेस बनाया है ये खुद से बनाया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, खुद से बनाते हैं. जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अभी जो ड्रेस पहनी हुई है ये ड्रेस इन्होंने खुद से बनाई है. तो हमारा जानते चाहिए कि डिजाइनटा की तुम्हें निजे करो छो? हां मैं निजे ही बनाई है. कितने दिन लगे जब बनाते এটা? 2 দিন লেগেছে. 2 দিন. তো এটা মানে শিখতে তোমার 2 দিনের মধ্যে শিখে নিছো না এটা আগে থেকে শিখেছো ডিজাইনটা বানাও? না, প্রথমে প্যাটার্ন বানিয়েছিলাম, ওটা 1 দিন লেগেছিল আর সেলাই করতে 1 দিন লেগেছে. আচ্ছা আচ্ছা, মানে 2 দিনের মধ্যে আগে এটা রেডি করে নিয়েছো. ओके. तो ये जैसा कि आप डिज़ाइन देख रहे हो इन्होंने खुद से डिज़ाइन को किया है. और कैसा लग रहा है आपको, कैम लगे एखे करते अपना? खूब भारत लगे, मैं बनिए अपना मैंने कि फिल्टा कम हो कि बनिए और फ्यूचारे कि बनाब ए रखम कि नतून नतून ड्रेस बनान इच्छा. अच्छा अच्छा. सो जैसा कि आपने देखा कि ये डिज़ाइन की है और फ्यूचर में भी इनकी कोशिश है कि फ्यूचर में और भी बहुत सारी डिज़ाइन. तो अभी मैं इधर आ गया हूँ, इनके एक अलग रूम है. यहाँ पे स्टिचिंग मशीन है जो इलेक्ट्रिक मशीन है और यहाँ पे जो सिखाई जाती है इलेक्ट्रिक मशीन आप देख रहे हो मशीनें. तो ये जो मशीन है इसमें आपको कोई पैर से ये नहीं करना है कि आपको चला के बनाना है, इलेक्ट्रिक मशीन है जिससे आप बना रहे हो. यहाँ पर सीख सकते हो स्टिचिंग वगैरह. तो यहाँ पर मैं कुछ लोग यहाँ पे कर रहे हैं स्टिचिंग. तो स्टिचिंग कर रही है उनसे कुछ जानते हैं कि आपने यही की कोचन है खाना? अच्छा, प्लेटिंग करते. और कत दिन हो जाए आपने? एक मास. तो एक मास मध्य कत शिखे नहीं? अच्छा, निजे निजे कर. खूब भलो. हाँ. अच्छा अच्छा अच्छा, खूब भलो. তাহলে এখানে কোনো অসুবিধা নেই, মানে মেশিন দিয়ে আপনার এই কত সময় লাগে, আপনি কত টাইম এখানে ওয়েস্ট করেন ডেইলি? 3 ঘন্টা. 3 ঘন্টা ডেইলি আসেন? হ্যাঁ, না ডেইলি না, সপ্তাহে 2 দিন ক্লাস হয়, 3 ঘন্টা. আচ্ছা, 3 ঘন্টা. ওকে. আর যেটা কি यहां पे देख रहा हूं, यहां पर भी एक मैम है, यहां पर भी वो कर रही है. ये क्या ब्लाउज का कर रही है क्या? हां.
अच्छा, ये डिज़ाइनर ब्लाउज कर रही है, जैसा कि आप देख रहे हो डिज़ाइनर ब्लाउज, तो यहाँ पे इनकी कर रही है। कितना दिनों आपको काम करते हैं यहाँ पे? 5 महीने। 5 महीने? 5 महीने कितने ब्लाउज डिज़ाइन सीख लिया आप? ब्लाउज, कुर्ती, प्लाजो। अच्छा। तो सब जैसा कि मैं जानता हूँ मार्केट में ब्लाउज का काफ़ी डिमांड है, अगर कोई ब्लाउज जानता है तो काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकता है, ये चीज़ मुझे पता है। और जैसा कि इनसे मैं जान पा रहा हूँ, तो आप इस 4-5 महीने में काफ़ी अच्छी डिज़ाइन जान चुके हो, है ना? और यहाँ पर भी कुछ मशीनें हैं, और ये क्या चीज़ की मशीन है? अच्छा, कुशिंग की मशीन। इसे क्या क्या रेडी होता है? अच्छा अच्छा, एगुलो। अच्छा, कुशल कवर। अच्छा, कुशन कवर डिजाइन दिए, प्लस हमार डिजाइनर गला स्लीव डिजाइन समस्त कंप्लीट इनवर्टर प्लाजो सूट। কত দিন আপনি করছেন? 6 মাস না 1 বছর? 1 বছরে করছি। 1 বছর করছেন। কত ফিস লাগে এখানে আপনার? আমার এখানে 1000 টাকা। 1000 টাকা আমি একদিন করি সানডে। আচ্ছা, সানডে একদিন করে? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, খুব ভালো। তো এটা শিখে আপনি ফিউচারে কি চাইতে? নিজের ইনস্টিটিউটটা খুলবেন? কিছু একটা করার চেষ্টা করছি সেই কারণেই। तो एक डिज़ाइन है यहाँ पे, एक देखो यहाँ पे एक जैकेट टाइप का है इसके डिज़ाइन, तो मैं जानना चाहूँगा कि ये क्या क्या डिज़ाइन आपने किया है यहाँ पे? ये वाला हम लोग ने ब्लेजर कॉलर बनाया है, पूरा ब्लेजर है ये। okay. ये वाला, और जब पहले हम लोग ये वाला सीखे हैं आफ्टर 2 ईयर्स, हम लोग 2 साल से यहाँ पर सीख रहे हैं। उसके बाद रुक्षा रापी ने, जो हमारी टीचर है, वो हम लोग को ये वाला शॉल कॉलर सिखाई है। तो कोट ब्लेजर भी ब्लेजर ही बोलते हैं मेनली, हम लोग इसको अपने लिए बनाए। और इसके अंदर फ्रॉक आप देख सकते हैं, ए लाइन फ्रॉक है ये। और इसको स्लीव एकदम सिंपल स्लीव है, क्योंकि हम लोग को एकदम वेस्टर्न लुक देना था, ना कि कुछ ये। और इसमें मेहनत बहुत लगा, लेकिन रुक्षा रापी की वजह से हम लोग को बहुत मज़ेदारली इंटरेस्टिंग वे में हम लोग बहुत अच्छा से ये वाला चीज़ कर पाए। कितना टाइम लगे इसको बनाने में? इसको हम लोग को थोड़ा वीक में 2 डेज क्लास होते हैं, तो उस हिसाब से 2-2 क्लास लेके हम लोग का 6 क्लास में हम लोग का ये वाला कंप्लीट हो गया ये ब्लेजर। 15-20 डेज पर? यस हाँ। तो आप लोग दोनों मिलके ये बनाए हो? हाँ। कितने दिन से आप लोग यहाँ पे? 2 ईयर्स कम्प्लीट हो गया है। 2 ईयर्स में क्या क्या आप सीखो यहाँ पे? हम लोग बहुत ही कुछ सीखे, बेसिक से स्टार्ट हुआ था, कुर्ती, प्लाजो, फ्रॉक। उसके बाद जब हम लोग एडवांस लेवल में आए, तो हम लोग का और इंटरेस्ट बढ़ गया, क्योंकि हम लोग को ऐसा टाइप भी सीखने मिला, सिर्फ कुर्ती उर्ती के भी हाफ, मतलब उसके अलावा भी इतना सारा चीज़ सीखने मिला, जिसमें हम लोग का इंटरेस्ट पूरा बढ़ गया। ब्लाउज वगैरह सब कर लेते हम लोग? जी जी। तो फ्यूचर में आपका है कि आगे जाके इसको और कुछ ऐसा करना चाहते हो, ना आप फ्यूचर में खुद से पैर अपने खड़ा होना चाहते हो? खुद से पैर में खड़ा होना चाहते हैं। हम लोग अभी भी अपने पैर पे खड़े हैं, हम लोग ऑर्डर्स लेते हैं, डिज़ाइनर ड्रेसेस बनाते हैं हम लोग खुद से। और हम लोग को ज़रा सा भी कुछ डाउट रहता है कि रुक्षा रापी, हम लोग को ऐसा ऑर्डर मिला है, तो रुक्षा रापी ऑब्वियसली हम लोग का हेल्प एकदम करती है कि कैसा है नहीं है। हाँ, सिर्फ सिखाती नहीं है, हम लोग और एक्स्ट्रा कुछ देखते हैं, फ़ोटो भेजते हैं, रुक्षा रापी ये फ़ोटो में ऐसा है वैसा बन जाएगा, विद इन वन मंथ हम लोग वाला चीज़ पूरा रेडी होकर हाथ में पकड़े रहते हैं, जो फ़ोटो में होता है हम लोग के पास। तो जैसा कि आपने देखा कि बात करके काफ़ी अच्छा लगा, और इस स्टूडेंट से बात करके समझ में आया कि काफ़ी अच्छे तरीके से सिखाना होता है इनकी टीचर, और उनसे अच्छा काफ़ी अच्छा रिलेशन है, काफ़ी अच्छी टच रखती है इनकी मैम के साथ। एकदम। तो ठीक है, तो फिर नेक्स्ट भी हम आते रहेंगे और इस वीडियो के बारे में, डिज़ाइन के बारे में जानते रहेंगे। जैसा कि मैं अभी मैम के पास आ गया हूँ, और ये हैं यहाँ की मैम, और मैम से जानना चाहूँगी क्या क्या कोर्स आपके यहाँ चलते हैं यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे अभी तो 4 कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो जैसे एक कोर्स जो हमारा यहाँ पे डिप्लोमा है, 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स है, तो ये पूरा बिगनिंग से लेके पूरा एडवांस लेवल तक आपको पूरा सब कुछ सिखाया जाएगा। अच्छा, वेस्टर्न वगैरह सब? वेस्टर्न, इसमें आपका ब्लाउज भी हो जाएगा, वेस्टर्न भी हो जाएगा, और आप इंडियन, इंडियो वेस्टर्न, बहुत सारा चीज़ है। क्या इसकी फीस क्या होगी? ये फीस है आपका, यहाँ आपका 800 रुपया एडमिशन चार्ज है। okay. और 2200 रुपया आपका मंथली है, 2200 मंथली है। अच्छा अच्छा। तो ये 3-3 महीने का आपको एक साथ वीकली कितने दिन रहते हैं? 2 दिन क्लासेस है, 3-3 घंटा करके है। अच्छा, 3 आवर्स करके। हाँ, okay. ऐसे तो फैशन डिजाइनिंग का जो कोर्स होता है ना, तो मतलब इवन हम लोग भी कोर्स किए हैं, तो हम लोग 10,000-12,000 ऐसे ऐसे मंथली पे करते थे।
तो आपको जो सारा जितना सारा कंटेंट है सिलेबस से ये सब चीज़ आपको यहाँ पे हम यहाँ पे 2022 में इतना में आपको सेम चीज़ वहाँ पे अवेलेबल। तो अच्छा, ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद क्या सर्टिफिकेट वगैरह आपको प्रोवाइड करते हो? सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, अभी हम लोग अभी बहुत जल्द शायद गवर्नमेंट सर्टिफिकेट भी मिले। गवर्नमेंट मतलब क्या है कि अभी वो लोग अप्रूव कर दे तो ये शायद गवर्नमेंट भी हो जाए। तो यहाँ प्लेसमेंट भी है, अभी 2-3 लड़की का मॉल में वहाँ लोग का प्लेसमेंट है। अब यहाँ पे जैसी लड़की है उन लोग का परफॉर्मेंस के ऊपर है, जितना अच्छा उन लोग का काम रहेगा तो उन लोग को उस लेवल पे ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर जैसे खुद का अपना बुटीक करना चाहती हैं या तो फिर अपना खुद का एक शोरूम, उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदा है, ज़्यादा बेनिफिट है। और भी सारा कोर्स अभी और हम लोग ये करेंगे, ऐड करेंगे, अभी उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर कोई चाहे कि ऑल कोर्सेस करना चाहे, सारे कोर्स ब्लाउज से लेके एवरीथिंग, तो उसके लिए क्या कोर्सेज है आपके पास? तो वो आपका 1 ईयर का जो डिप्लोमा है उसमें तो आपका ब्लाउज वेस्टर्न सब आ जाएगा। अच्छा अच्छा, सब कुछ। हाँ, कुछ कुछ होता है कि जिनको सब नहीं करना है, सिर्फ उनको ब्लाउज कटिंग सीखना, तो वो उन लोग के लिए एक सेपरेट अलग सा कोर्स है। और बुटीक ट्रेनिंग एक कोर्स है, वो मतलब जो बुटीक के लिए थोड़ा पॉलिश्ड होना चाहते हैं मार्केटिंग में, उन लोग के लिए है वो कोर्स है। तो जैसा कि मैंने मैम से बात किया, बात करें, काफ़ी अच्छा लगा। आइए, आप देख पा रहे हो ये इनका एक सर्टिफिकेट का यहाँ पे एक डेमो लगा हुआ है, और यहाँ पे भी आप देख लो सर्टिफिकेट का एक डेमो यहाँ पे दिख रहा है इनका, जो इनको दिया गया था 2018 का। तो ये सारे हैं, और इधर मैं देख पा रहा हूँ एक प्राइस भी यहाँ पे है, कुछ दी गई थी। तो ये प्राइस जाना चाहूँगा कहाँ से मिली थी आपको? ओके ओके, फैशन शो में जैसे बेस्ट गाउन का अवार्ड है, बेस्ट डिज़ाइन का अवार्ड है, तो वहाँ पे ये सब हम लोग को प्राइज मिला था। ये मेरे कॉलेज का है। ओके ओके, तो वो सब में ये बहुत सारा ट्रॉफी था, अवार्ड है। ओके, तो ठीक है, यहीं से इस वीडियो को फिर हम एंड करते हैं। तो गाइस, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मैं दे दूंगा, और फ्यूचर में बहुत सारी इनके वीडियो जो आएंगे वो भी मैं दूंगा। तो वीडियो को यहीं से एंड करते हैं, बाय बाय।